Hello students, welcome to Educational Book Center. In this video, I will discuss Sarva Shiksha Abhiyan or SSA. So, let's start. Sarva Shiksha Abhiyan एक बहुत ही important topic है, तो please listen carefully. Elementary education को universalize या सब तक पहुँचाने के लिए SSA या Sarva Shiksha Abhiyan scheme या सभी के लिए शिक्षा ये स्कीम लाया गया था ताकि सबको एजुकेशन मिल सके. सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ कम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अटेन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 2001 में और इसका मकसद ये था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन को अचीव किया जा सके. अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है. क्लास वन से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक को हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं और सिक्स से एट तक हम लोग अपर प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं. लेकिन जब क्लास फर्स्ट से एट तक पूरा एजुकेशन को लिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन. और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब है सबके लिए ये शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है अवेलेबल हो इसको यूनिवर्सल कहते हैं. SSA हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2001 to 2002 मतलब ये 2001-2 के अंदर स्टार्ट किया गया था. एम्स टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010. इसका मतलब यह है कि SSA में यह कहा गया था कि 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन लोगों को 2010 तक एजुकेशन कंप्लीट किया जाए. एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उन लोगों का कंप्लीट होना चाहिए. इट इज़ द इनिशिएटिव टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाए वो अच्छे क्वालिटी का हो क्योंकि इस स्टेज में एलिमेंट्री स्टेज में बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाता है ये आगे जाके उसके लाइफ में बहुत ही काम आता है. इसीलिए एजुकेशन क्वालिटेटिव होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSA अ प्रोग्राम विद अ क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्कीम था उसको अचीव करने के लिए SSA स्टार्ट किया गया था और इसका एक क्लियर टाइम फ्रेम था. जैसे 2007 तक जो बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए. इसलिए एक टाइम फ्रेम दिया गया था इसमें. अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री. मतलब पहले जैसे कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो बेहतर होना चाहिए ताकि वो बच्चों का आगे जाके काम आ सके. तो इसका ऑल ओवर द कंट्री में एक नीड था तो इसका डिमांड फुलफिल करने के लिए SSA स्टार्ट किया गया था. एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन. जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सोशल जस्टिस को प्रोमोट करना चाहिए और प्रोमोट करने के लिए ये स्कीम था ताकि कास्ट क्रीड रिलीजन के बेसिस पे एजुकेशन ना हो, एजुकेशन सबके लिए हो. अ पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. और इसमें सेंट्रल स्टेट और लोकल सारे जो सेक्टर है उनको ऐड कर लिया गया था ताकि ऊपर से नीचे तक एजुकेशन को ठीक से प्रोवाइड किया जा सके. एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन विज़न फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. कोई भी काम कोई भी स्कीम जब होता है तब एक उसका विजन सेट किया जाता है. तो एक स्टेट के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि उसका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको और डेवलप कर सके. नेक्स्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री. एक पॉलिटिकल विल था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा देश में हो. एन एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमिटीज पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशंस मदर टीचर एसोसिएशन ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स एंड अदर ग्रास रूट्स लेवल स्ट्रक्चर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन.
SSA जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए स्कीम स्टार्ट किया गया था, उसमें सारे सेक्टर्स को ऐड करने के लिए बोला गया था और सारे सेक्टर्स को ऐड किया गया था ताकि सबका कंट्रीब्यूशन हो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करने के लिए। एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को वो यूज़फुल होना चाहिए ताकि उसके लाइफ में आगे जाके काम आए, और रिलेवेंट होना चाहिए उसके डेली लाइफ से या फिर वर्क ऑफ लाइफ से। ऑल चिल्ड्रेन इन द 6 to 14 एज ग्रुप बाई 2010 मस्ट प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों को 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ब्रिज सोशल, रीजनल एंड जेंडर गैप्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स। इंडिया में जो डिफरेंट सोशल, रीजनल, जेंडर गैप्स है उसको दूर करना है, और दूर करने के लिए स्कूल का जो मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ऑल चिल्ड्रेन इन स्कूल, एजुकेशन गारंटी सेंटर, ऑल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। मतलब एक कैंप चलाना चाहिए जो कि बैक टू स्कूल कैंप होगा, मतलब जो बच्चे स्कूल में नहीं है, सब बाहर है, उन लोगों को 2003 तक सारे बच्चों को स्कूल में बैक करना है, इसीलिए ये स्कीम चालू किया गया था। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। मतलब 2003 तक सब लोग स्टूडेंट्स को या सब बच्चों को हम लोग स्कूल में लेके आएंगे, तो 5 साल के अंदर जो प्राइमरी स्कूलिंग है बच्चों को वो कंप्लीट होना चाहिए 2007 तक। ऑल चिल्ड्रेन कंप्लीट 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010। मतलब अगर 2007 तक प्राइमरी एजुकेशन हो जाए तो अगले 3 साल मतलब 2010 तक 8 ईयर्स की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी विथ एम्फोसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। मतलब एक एजुकेशन का सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी होना चाहिए, जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो क्वालिटेटिव होना चाहिए और उसका लाइफ में काम आए, एजुकेशन फॉर लाइफ। ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाय 2010। प्राइमरी स्कूल में 2007 तक और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2010 तक जो जेंडर गैप्स है, सोशल कैटेगरीज है, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेसिस पे जो गैप्स है उसको दूर किया जाना चाहिए। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, मतलब यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए, सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर है 2010 तक सबको स्कूल में लाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।